जीएसटी के विरोध में भारत व्यापार बंद के तहत कैंट की जबलपुर इकाई के तत्वाधान में जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में आज जबलपुर सुबह से ही बंद रहा। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजार बंद रहे। मुख्य जरूरत की दुकानें ही जैसे कि दूध, सब्जी, फल, दवाइयां आदि ही खुली रही, बाकी सभी दुकानें बंद रही। किसानों के बाद जीएसटी को लेकर कारोबारी और उद्योगपति संगठन नाराज हैं। जटिल कानून में सुधार को लेकर फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैंट देशव्यापी कारोबार बंद का आह्वान किया है। कारोबारियों का कहना है कि नए कानून व्यापारियों के लिए मुसीबत ना बन गए। कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग की सजा सभी को देना उचित नहीं है। शहर बंद है, इसमें आप समर्थन में क्या समस्या है आम आदमी की और आपकी व्यापारियों की? देखिए, मैं तो इस बंद के समर्थन में हूँ पूर्णता, क्योंकि हम आम जन के लिए जो मूल मुद्दे होते हैं वो है घरेलू गैस, बिजली और आप देखें पेट्रोल डीजल की महंगाई। फिर सरकार चाहे जिनकी भी हो, फिलहाल में जो राम मंदिर का मुद्दा है मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। चलिए भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, भव्य मस्जिद बने, सब कुछ बने, धारा 370 खत्म हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का एज अ भारतीय नागरिक सिटीजन उनका क्या निजी तौर पर फायदा हुआ राम मंदिर बनने से या धारा 370 खत्म होने से? आप देखिए आज पेट्रोल 40 रुपए लीटर बिकना चाहिए, आज उसके ऊपर मोदी जी केंद्र की सरकार 50 से 60 रुपए टैक्स लगाती है। आज हमारे व्यापारी भाई परेशान है जीएसटी को लेके, आज हमारे वकील भाई परेशान है। आप देखिए लोग अपना व्यापार करें कि ये पर्चा भरते रहें। मैं केंद्र की सरकार से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए आपके रोड मैप क्या है देश की उन्नति के लिए। जब आम जनमानस खुशहाल रहेगा, जिसकी जेब में पैसा आएगा, तभी तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज मैं 15,000 कमाता हूँ, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ को ले जाके सैलरी दूँ 15,000 और 4 साल बाद भी मैं उतना ही दूँ, तो मेरी वाइफ बोलेगी आप दिन भर 8 से 10 घंटे फील्ड पे रहते हैं, आपकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी? मैं क्या बोलूँगा? वो गृहिणी है, उनको गैस भरवाना है, आज 850 रुपये का गैस टंकी। अगर किसी की कंबाइंड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो कम से कम 2 टंकी लगेंगी। आप बताइए अगर वो व्यक्ति 1500 से 1600 रुपये गैस टंकी में लगाएगा, पेट्रोल एक व्यक्ति का मान लीजिए एक महीने का 2,500-2,500 रुपये का होगा, राशन आप देखिए दाल कितनी महंगी हो गई है देखिए, और टमाटर, मतलब XYZ आप किसी भी तरह की चीज़ें देख लीजिए जो दिनचर्या में यूज होती हैं, बहुत महंगाई है। मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि आप इस पर विचार करिए, लोगों को जनहित के लिए आप कदम उठाइए, ना कि ये सेकेंडरी मुद्दे, प्राइमरी मुद्दे पे आप काम करिए। मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आपकी मैं सहमत हूँ, बनना चाहिए, आस्था का विषय है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम भी आपके साथ हैं मोदी जी, लेकिन आप हम गरीबों का भी तो ख्याल रखिए जो हम लोग रोज कमाते हैं। समर्थन का आप समर्थन करते हैं? मैं इस बंद का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और आम जन से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग आइए, शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद करिए, घरों में रहिए, लोगों से अपील करिए और देखो आप लोग खुद चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जिस तरह से भी हो, देश के प्रधानमंत्री से आप निवेदन करिए और मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, इंसान है, जरूर सुनेंगे। मैं इरफान अहमद खान हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के 6 मार्च के प्रस्तावित जबलपुर प्रवास के मद्देनजर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सर्किट हाउस क्रमांक 1 एवं 2, कल्चुरी होटल, मानस भवन, भेड़ाघाट व गौरीघाट पहुंचकर वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सर्किट हाउस क्रमांक 1 एवं 2, कल्चुरी होटल, मानस भवन के निरीक्षण के मौके पर उनके साथ नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। भेड़ाघाट पहुंचकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित सहित अन्य अधिकारियों ने लिफ्ट के परीक्षण के साथ घाट में नावों की समुचित व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही धुआंधार जलप्रपात के पॉइंट पर जाकर भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। महामहिम राष्ट्रपति के 6 मार्च के प्रस्तावित जबलपुर प्रवास के मद्देनजर कलेक्टर ने शाम को गौरीघाट पहुंचकर भी तैयारियों का जायजा लिया गया। SM3 जबलपुर सेना की मध्य कमान का अलंकरण समारोह 27 फरवरी को
जबलपुर छावनी स्थित ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के प्रतिष्ठित कर्नल होशियार सिंह पीवीसी परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन भारतीय सेना के वीर जवानों और वीर शहीदों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट सेना का प्रदर्शन किया है। सेना की मध्य कमान का अलंकरण समारोह 27 फरवरी को जबलपुर छावनी स्थित ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के प्रतिष्ठित कर्नल होशियार सिंह पीवीसी परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन भारतीय सेना के वीर जवानों और वीर शहीदों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमन जाबाजों को उनकी शौर्य और वीरता के लिए सेना पदक से अलंकृत करेंगे और विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमन 2 मरणोपरांत सेना पदक सहित 20 वीरता पदक प्रदान करेंगे 20 वीरता पदक प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमन 11 अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक प्रदान करेंगे। पेशेवर